हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप लोग की दुआ से मैं भी ठीक हूँ। और आज हम बता दें कि मेरा बेटा जिद कर रहा है केक काटने के लिए, लेकिन हम काटेंगे नहीं क्योंकि इसके पापा नहीं हैं। और फ्रेंड्स, आज इसका बर्थडे है और देख सकते हैं आप लोग कि उदास बैठा है, बोल रहा है कि बोल रहा है, जिद कर रहा है कि नहीं मम्मी मधी केक काट दो, केक काट दो। तो बताइए आप ही लोग, केक कैसे काट दें? हम काट देते हैं, कोई केक बड़ा बात नहीं है काटना, लेकिन सारा चीज़ अच्छा रहता है। तभी कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम है, तभी तो हम नहीं कर रहे हैं। नहीं तो बच्चा है, थोड़ा ना सियान था कि हम नहीं कर सकते थे, लेकिन मेरे पास एक रीज़न रहता तो अगर हम कर देते, लेकिन मेरे पास बहुत सा ऐसा रीज़न है कि जो अभी हम नहीं कर सकते। इसीलिए इसको हम सॉरी बोले और समझाएं कि बाबू मान जाओ, पापा आएंगे तो अगले साल अच्छे से हम कर देंगे। आज कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ मीठा चीज़ बना देंगे। खीर नहीं बनाएंगे, सेवई और पूड़ी और सब्जी बनाएंगे, सिर्फ इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि सब कुछ अच्छा रहने पे ही सब अच्छा लगता है। तो अभी कुछ अच्छा नहीं है मेरे साथ, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए जो है सो बस इसी में। लेकिन मीठा चीज़ ज़रूर बनाना चाहिए, है कि नहीं? और बस मीठा चीज़ बना देंगे और इतना ही में, क्योंकि वो रहते हैं तो शायद कुछ हम करते हैं। तो आप ही लोग बताइएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं। बच्चा लोग है तो बच्चा लोग तो जिद करवे करते हैं, लेकिन बच्चा के जिद को भी पूरा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, है कि नहीं? और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरी बेटी भी आ गई और दोनों इन लोग अपने में डिसीजन कर रहा था कि भैया करवाओ करवाओ। और यहाँ पे देखिए, उधर से आई तो बोल रही है कि मम्मी दांत टूट गया। तो एक टूटा था पहले, बच्चा वाला दांत है ना, तो वो तो टूटेगा ही तब ना दूसरा निकलेगा। तो रो रही थी तो इसको कैसे कैसे करके समझा के चुप कराएं। इसके जीत की वजह से हमें वीडियो बनाए हैं। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।